हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है, इंग्लिश की वर्कशीट। ये है वर्कशीट नंबर 18 और ये 15 अगस्त की वर्कशीट है। तो ये वर्कशीट देखने से पहले आप ये याद रखिएगा कि इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम वर्कशीट अपलोड करें आप इमिडिएटली आपको पता चल जाए कि वर्कशीट अपलोड हुई है। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये आपकी पिछली वर्कशीट्स जो हैं रिपोर्टेड स्पीच पर, उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो ऑलरेडी आप एक वर्कशीट कर चुके हैं जिसमें आपने स्टेटमेंट सेंटेंसेस को, जो डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट सेंटेंसेस थे, उनको आपने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया। और उसके बाद आपने एक वर्कशीट की जिसमें आपने क्वेश्चन सेंटेंसेस को, जिनमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको आपने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया हो कि इनको ये कैसे किया, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप वो वीडियो जरूर देखें। बहुत ही डिटेल्ड वीडियोज है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, क्योंकि यहाँ पर कई चीजें रिपीट होंगी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप वो वाली वीडियोस अच्छे से देखें। तो आगे चलते हैं, आज आज की वर्कशीट में क्या होगा। तो आज की वर्कशीट में आप रिक्वेस्ट सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपने कोई रिक्वेस्ट की हो, उनको आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। तो रिक्वेस्ट होता क्या है? सो व्हेन वी आस्क इन अ पोलाइट वे समवन टू डू समथिंग फॉर अस, वी मेक अ रिक्वेस्ट। तो हम किसी से रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? तो पहली बात, हम बहुत ही पोलाइटली पूछते हैं। तो हमारा जो टोन है वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही नम्र होता है। तो ऐसी टोन के साथ जब हम किसी से कुछ हेल्प करने के लिए बोलते हैं या किसी और को हमारे लिए कुछ करने को कहते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। तो जैसे कि हम किसी को बोल सकते हैं, वेट फॉर मी प्लीज, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। कुड यू वेट फॉर मी प्लीज, क्या तुम मेरे लिए प्लीज रुक सकती हो। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी प्लीज, क्या तुम प्लीज मेरे लिए रुक सकती हो। तो ये अलग अलग तरीके से हमने सेम रिक्वेस्ट की है। तो अलग अलग इन तरीकों से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो सैम्पल सेंटेंसेस हैं ये हैं डायरेक्ट स्पीच के। तो हम जिससे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं। तो अब इन सेंटेंसेस को आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है इस वर्कशीट में, तो आप कैसे करेंगे? तो वो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है ये एक्चुअली में। आप कैसे चेंज करेंगे? तो डायरेक्ट स्पीच, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच जो है, उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको वर्ड यूज करना है आस्क्ड। तो आस्क आप यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अलग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे रिक्वेस्टेड, उसने मुझसे ये पूछा, ये रिक्वेस्ट किया। तो आस्क आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आपकी वर्कशीट में लिखा है आस्क मी, क्योंकि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की। उसके बाद आप यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे। तो जिसने भी आपसे रिक्वेस्ट की है, तो उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे, और फिर टू और इन्फिनिटिव। तो आप यहाँ पर टू जोड़ देंगे कि किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करी। सो शी आस्क मी टू हेल्प हर, उसने मुझे मदद करने के लिए बोला। शी आस्क मी टू पास द सॉल्ट, शी आस्क मी टू लेंड हर अ बुक, तो उसने क्या करने के लिए कहा। तो वो टू के बाद आप यहाँ पर पहले तो आप टू लगाएंगे और फिर आप यहाँ पर आगे लिख देंगे क्या करने के लिए कहा। तो इन्फिनिटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो वर्ब है उसका आप सिंपल फॉर्म यूज करेंगे। तो अगर डायरेक्ट सेंटेंस में ऐसा कुछ लिखा है जैसे स्लीपिंग, तो आप उसका जो मेन फॉर्म है, जो रूट फॉर्म है, आप वो यूज करेंगे, तो टू स्लीप। तो इस तरह से आप इन्फिनिटिव का मतलब है कि उसकी जो मेन फॉर्म है, जो विदाउट ING वाली जो फॉर्म है, वो आप यहाँ यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं, जैसे आपसे पहले जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए थे, तो वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी प्लीज, या प्लीज वेट फॉर मी, इसका यहाँ पर चेंज किया हुआ है, शी आस्क्ड मी टू वेट फॉर हर। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इमेजिनरी सब्जेक्ट डालेंगे, तो अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसने कहा होगा, तो लेट्स इमेजिन कि ये किसी लड़की ने कहा होगा मुझसे। तो इसलिए शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा उसने, क्या रिक्वेस्ट की, टू, और फिर उसने बोला बोला प्लीज वेट फॉर मी। तो आपने वेट यहाँ से ले लिया, क्या करने के लिए कहा, टू वेट फॉर, किसके लिए, उसके लिए वेट करने के लिए कहा। तो इसलिए मी चेंज हो गया हर में।
तो यहाँ पर और भी आपको एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, तो चलिए जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज भी आगे होगी, क्वेश्चंस भी होंगे। तो यहाँ पहला सेंटेंस आपको दिया है, एग्जाम्पल सेंटेंस, डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प मी विद होमवर्क। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर वर्ड्स का कैसे हेर फेर किया हुआ है जब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। तो पहले तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पीकर कौन है, तो हमें यहाँ पर क्लियरली नहीं पता है कि ये मुझसे जो रिक्वेस्ट की गई है ये किसी लड़की ने की है या लड़के ने की है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है कि शी, किसी लड़की ने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की होगी, तो शी आप यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद अब क्योंकि रिक्वेस्ट की है और ऊपर लिखा गया था कि आपको बस आस्क्ड लगाना है, अब अगेन रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में होती है, तो इसलिए क्योंकि आप उसे रिपोर्ट कर रहे हैं और किसी टाइम उसके बोलने के बाद ही रिपोर्ट करेंगे, तो इसलिए आप उसे पास्ट टेंस में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आस्क्ड मी, क्योंकि उसने आपसे पूछा है और आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे शी आस्क्ड मी। अब उसने किस चीज के लिए पूछा आपसे, किस चीज के लिए रिक्वेस्ट की, तो आप यहाँ पर फिर लिखेंगे टू, और जिस भी चीज के लिए पूछा आपसे रिक्वेस्ट की वो आप आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर था हेल्प मी विद होमवर्क, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि उसकी होमवर्क में मदद करो, तो टू के आगे आप लिखेंगे हेल्प, बट यहाँ क्या आप मी लिखेंगे, नहीं, यहाँ आप लिखेंगे हर, क्योंकि आप ये बता रहे कि उस लड़की ने आपसे क्या कहा, तो अगर आप यहाँ लिखते ही लिखते और लड़के ने अगर कुछ कहा होता तो आप यहाँ लिखते टू हेल्प हिम, तो आप किसकी किस में हेल्प चाहिए, होमवर्क में, विद होमवर्क, तो ये विद होमवर्क यहाँ पर फिर आगे एज इट इज आ जाएगा। आगे चलते एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं है, ये WH क्वेश्चन नहीं है, ये इज एम आर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली में रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन के फॉर्म में रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वुड और कुड का यूज हो रहा है, तो जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था यहाँ पर वैसे चेंज नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में ही चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि ये एक मेल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए चेंज करते हुए हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी, क्या चीज के लिए उसने पूछा, टू, अब देखिए वेकिंग यहाँ पर हो गया है वेक, क्योंकि टू के साथ हम कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ही आस्क मी टू वेक हिम अप अर्ली। तो ये जो है आपने यही सेंटेंस मेन सेंटेंस से ही लिया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लीज डोंट बी लेट, शी आस्क्ड अस नॉट टू बी लेट। तो देख लीजिए ये जो यहाँ पर मेन सेंटेंस में रिक्वेस्ट में अगर नॉट जैसा कुछ आता है तो वो आप कैसे लिखेंगे, शी, आपने अज्यूम किया है, किससे पूछा गया है, हम सबसे पूछा गया है, शी आस्क्ड अस, किस चीज के लिए पूछा गया है, नॉट, क्योंकि यहाँ था डू नॉट बी लेट, तो आप लिखेंगे नॉट टू बी लेट। तो देखिए कहाँ, यहाँ पे नॉट बी लेट ही एज इट इज उठ गया, उठ के यहाँ आ गया है, बीच में आपने टू लगाया है। ऐसा ही एक और अगला देख लेते हैं, कुड यू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज, शी आस्क्ड मी टू अनम्यूट माई सेल्फ। तो वो मुझसे पूछ रही थी तो इसलिए योर सेल्फ यहाँ पर बन गया माई सेल्फ, ठीक है, और टू यहाँ ऐड हो गया, आस्क मी ऐड हो गया। लास्ट एग्जाम्पल, प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल। तो यहाँ पर अगेन जैसा ही आपका सेंटेंस थ्री है ये वैसे ही चेंज होगा, तो अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो जो हमसे बात कर रहा था वो एक मेल था, तो हमने लिखा ही, फिर हमने लिखा आस्क्ड मी, फिर हमने लिखा टू, अब उसने किस चीज के लिए पूछा, टू नॉट, यहाँ पर अब ये जो टू है ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये आपको यहाँ से हटाना है, ये मिसप्रिंट हो गया है शायद, तो ये जो थर्ड जैसे है ये वैसे ही होगा, सो ही आस्क्ड मी टू नॉट यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल, उसने बोला कि ये यूज मत करो प्लास्टिक वाटर बॉटल। तो ये जो है इस तरह से आपको चेंज करना है, तो जल्दी से आपकी एक्सरसाइज क्या है वो भी देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में आपके एग्जैक्टली यही है कि आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन सेंटेंसेस को ही आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो जल्दी से पहला सेंटेंस देख लेते हैं, पहला सेंटेंस है आपका, प्लीज एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। तो आप अगेन यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि किसने आपको बोला है, लेट्स से कि किसी मेल ने आपको बोला है, तो ही मैं यहाँ लिख रही हूँ, अब आप लिखोगे आस्क्ड मी, क्योंकि आप पास्ट में रिपोर्ट करते हो हमेशा, तो आस्क्ड, आस्क की पास्ट फॉर्म आएगी, किससे पूछा है, आपसे पूछा है,
मी, अब क्या पूछा है? मी टू, तो आप बताओगे क्या पूछा है? टू एक्टिवेट दी इंटरनेट कनेक्शन। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस को एज इट इज यहां पर लिख दिया गया है और ये आपका पहला आंसर हो गया। अब चलते हैं आपके दूसरे आंसर पर। दूसरा सेंटेंस आपका कहता है, आई सेड पोलाइटली कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे? आई टोल्ड हर पोलाइटली। अब आप इसमें टोल्ड की जगह आस्ट भी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ऐसे कोई गलत नहीं है टोल्ड या आस्ट। सो आई आस्ट हर पोलाइटली टू, किस चीज के लिए आपने पूछा? एज इट इज आप ये लिख दीजिए, किस चीज के लिए पूछा? टू कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग। बिल्कुल सिंपल है ये। अब आगे चलते हैं आपके थर्ड सेंटेंस पर। तो थर्ड सेंटेंस आपका क्या कहता है? वो कहता है, कुड यू प्लीज शेयर नोट्स विद मी। अब क्योंकि यहाँ पर स्पीकर नहीं है, आपको पता, तो सेकंड सेंटेंस में तो आपको पता था कि स्पीकर जो है वो आई है, वो आप ही हैं। तो थर्ड में आपको नहीं पता है, कोई और आपको ये बात बोल रहा है, तो आप यहाँ पर अज्यूम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शी अज्यूम कर लेते हैं। शी आस्ट मी टू, किस चीज के लिए पूछा? शेयर नोट्स विद, किससे शेयर करने हैं नोट्स? मी से तो नहीं करने हैं, क्योंकि मैं तो रिपोर्ट ही कर रही हूँ बात की, उसने मुझसे ये पूछा, तो उसी से शेयर करने हैं जिसने पूछा। शी आस्ट मी टू शेयर नोट्स विद हर। तो ये आपका सेंटेंस थर्ड हो जाता है। अब चलते हैं सेंटेंस फोर पर। सेंटेंस फोर आपका कहता है, वुड यू माइंड कुकिंग डिनर प्लीज। तो यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि अगेन कोई लड़की अपने हस्बैंड से बोल रही है, तो वो बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, शी आस्ड मी टू कुक डिनर। बस यही आपका ये सेंटेंस है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है टू के साथ, तो इसलिए कुकिंग हो जाएगा यहाँ पर कुक। सो शी आस्ड मी, किस चीज के लिए पूछा? टू कुक डिनर, जो चीज करने के लिए बोला है आप यहाँ पर वो लिख देंगे। अगला चलते हैं लास्ट सेंटेंस आपका। लास्ट सेंटेंस बहुत ही इजी है। लास्ट सेंटेंस आपका कहता है, प्लीज डोंट मेक नॉइज। तो अगेन आप चलो एक एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ही ने बोला है ये। ही आस्ट अस। अस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप शोर तभी मचा पाएंगे जब आप बहुत सारे हों, तो मैं अगेन यहाँ पर एक अजम्पशन कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर अस डाल देते हैं। तो ही आस्ट अस, क्योंकि उसने किसी बहुत सारे लोगों से और हमसे पूछा होगा, तो ही आस्ट अस किस चीज के लिए पूछा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर नॉट है तो वो ध्यान रखिए, ये देखिए थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्कुल उसकी तरह आपको लिखना है, ही आस्ट अस नॉट टू मेक नॉइस। उसने हमें बोला कि शोर मत मचाओ, ही आस्ट अस नॉट टू मेक नॉइस। तो ये थी आज की आपकी रिपोर्टेड स्पीच की वर्कशीट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए अब इस वर्कशीट के बाद चलते हैं आपकी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट पर। हाय स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट की तरफ, जो कि है 15 अगस्त की, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ मिश्री लाल एंड करीम। तो मिश्री लाल और करीम की जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पालमपुर, आपके जो बुक में एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसमें से लिया गया है। तो इसके अंदर दो व्यापारियों के बारे में बताया गया है। मिश्री लाल एक गन्ना व्यापारी है और एक करीम है, जिन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते हैं कंप्यूटर्स। तो आइए देख लेते हैं उनकी कहानी, पहले सुन लेते हैं। मिश्री लाल हैज परचेज्ड मैकेनिकल शुगर क्रेन क्रशिंग मशीन। उन्होंने क्या खरीदी है? गन्ने को पेरने वाली मशीन, मतलब क्रशिंग, मतलब उसको जो तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए वो जो मशीन होती है वो खरीदी है, ताकि वो काम अपना जल्द से जल्द कर सके। विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, एंड हैज सेट इट ऑन दिस फील्ड। अपनी जो खेती की जो जमीन है उस पे उन्होंने उसको लगा रखा है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन बाय द हेल्प ऑफ बुलेट्स। मतलब पहले वो जो है वो बैल से वो काम करते थे, पहले
शुगर क्रशिंग उससे होती थी, तो आपको पता ही है कि बैल से काम करने में और मशीन से काम करने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। बुलक्स के थ्रू आप बहुत टाइम लगाते हैं उसके अंदर और कम से कम काम होता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को एडवांस कर लिया है बेसिकली। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हो कि अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो मिश्री लाल दूसरों किसानों से भी गन्ना खरीद कर उसको गुड़ बनाता है, तो जैगरी कहते हैं उसको, तो गुड़ बनाता है ताकि उससे क्या कर सके, एक छोटा सा प्रॉफिट ले सके। तो इस तरीके से मिश्री लाल ने क्या करा है, अपने आप को थोड़ा सा एडवांस कर लिया है, मॉडर्न कर लिया है। आइए चलते हैं इसी तरीके से करीम की स्टोरी भी सुन लेते हैं। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। तो गांव में खोलने का एक फायदा ये है कि शहरों में तो चलो आज की डेट में सबके पास है, सबके पास ही नॉलेज है, गांव में अभी भी लोगों के पास इस चीज की नॉलेज कम है। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। तो पास में ही एक शाहपुर टाउन है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आकर कॉलेज अटेंड करते हैं। करीम फाउंड आउट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन। क्योंकि बच्चों को आज की डेट में देखो कंप्यूटर के बिना तो काम चल भी नहीं पा रहा, तो उसकी कंप्यूटर की नॉलेज उनको चाहिए थी। तो करीम ने क्या देखा, बहुत सारे बच्चे जाकर वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी ले रहे हैं। तो करीम ने सोचा कि क्यों ना मैं कंप्यूटर क्लासेस विलेज में ही खोल दूँ। देर आर टू वुमेन्स इन द विलेज हु हैड डिग्रीज इन कंप्यूटर। तो उसने करीम ने देखा कि विलेज में ही, गांव में ही दो लड़कियों को, दो औरतों को पास नॉलेज थी कंप्यूटर की, उनके पास डिग्री थी। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। एम्प्लॉय का मतलब हो गया आप उनको रोजगार दिया उसने, उसने अपने पास जॉब पे रखा। और ही बॉट कंप्यूटर्स, उसने कुछ कंप्यूटर्स खरीदे और सेटअप कर दिया एक अपने घर के पहले रूम में ही कंप्यूटर क्लासेस। और हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग द क्लासेस इन गुड नंबर। तो बहुत सारे हाई स्कूल के बच्चे उच्च शिक्षा जो पा रहे हैं और उसके बच्चे जो है आके अब करीम क्लासेस ले रहे हैं, करीम से क्लासेस ले रहे हैं, वहां पे दो औरतें पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से मिश्री लाल और करीम ने गांव से बाहर जाए बगैर एक नए तरीके का रोजगार बनाया। और आपने ध्यान दिया होगा करीम क्या कर रहा है, दूसरों को रोजगार भी दे रहा है। तो यही एक खासियत होती है एंटरप्रेन्योर की, वो दूसरों को भी रोजगार देते हैं। और मिश्री लाल क्या कर रहा है, दूसरों का गन्ना खरीद रहा है ताकि वो बिचौलियों के पास या फिर बाहर जाके अगर किसी और को बेचते तो उनको जो प्रॉब्लम होती है उससे भी उनको बचा रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों की कहानी से एक चीज सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा बिजनेस आप अपने दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं अपने आसपास के काम से। जो पहले काम किसी और तरीके से होते थे, आप नए उसके अंदर कुछ वेरिएशन ला के आप काम कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस के आंसर हमने सैम्पल आंसर दे रखे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप उसके आंसर्स एक बार पढ़ लीजिएगा, अभी हम उसको दिखा देंगे। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चंस क्या क्या रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द स्टोरीज ऑफ करीम एंड मिश्री लाल डिफरेंट एंड सिमिलर टू ईच अदर। तो किस तरीके से दोनों की स्टोरीज एक दूसरे से भिन्न है और समान भी है बेसिकली। तो आपने देखा होगा दोनों के दोनों क्या है, एक तरीके से एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस कर रहे हैं। तो वो पहली पहली चीज उन दोनों के बीच में समानता क्या है, वो दोनों के दोनों बिजनेस कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर है। दूसरी चीज समानता क्या है कि दोनों ने गांव छोड़ के जाने का नहीं सोचा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि गांव से बाहर निकलेंगे तो ही कुछ फायदा होगा। तो उन्होंने क्या सोचा, दूसरे तरीके से, अलग तरीके से सोचा और गांव में ही रहे। और डिफरेंट कैसे हैं, डिफरेंट इस तरीके से हैं, मिश्री लाल जो है वो अभी भी पूरे तरीके से गांव में और खेती में ही काम कर रहा है, और करीम जो है वो खेती से हट के कुछ और काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि आप गांव में रहते हुए भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ खेती करें, आप कोई और काम भी कर सकते हैं। अभी आप इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। व्हेन देयर इज अबंडेंस लेबर इन पालमपुर, मतलब अबंडेंस लेबर मतलब हो गई मजदूरी अच्छी खासी है, मतलब लोग जो हैं जो काम करने वाले हैं वो बहुत सारे हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर पीपल टू एम्प्लॉय देमसेल्फ इन अदर देन फार्मिंग।
तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब लोग बहुत सारे हैं तो फार्मिंग के अलावा, मतलब मिश्री डाल के जैसे काम करने के अलावा और कोई काम, करीम जैसे काम करने की क्या जरूरत क्या है। तो देखिए समझे, अगर बहुत सारे लोग एक ही जैसा काम करते रहेंगे, मतलब सपोज करो फार्मिंग करते रहेंगे, तो उससे क्या, उस केस में क्या होता है, डिस्गाइज्ड आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ा था, उसका मतलब होता है कि जब आपको पता चलता है कि आप कुछ प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड है जिसपे एक लैंड का एरिया सेम ही है, आप इस पे 4 लोग लगाओ या 8 लोग लगाओ, ये इसने उतना ही अनाज प्रोड्यूस करना है। तो 4 लोग लगाएंगे तब भी उतना अनाज प्रोड्यूस हो रहा है, और 8 लोग लगाए तब भी अनाज उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब जो बाकी के 4 लोग हैं वो कहीं और जाके काम कर लेते तो वो कुछ प्रोड्यूस कर पाते। इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए एक मतलब बोला जाता है कि अगर आप कहीं और काम करने के लायक हैं, कर सकते हैं, तो जरूर काम करें। हाउ करीम एंड मिश्री लाल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। ये बेसिकली हमें हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट जो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के ऊपर जो वर्कशीट दी गई है वो हम बनाएंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो उससे रिलेटेड है। आपने पिछले वर्कशीट में भी देखा था, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो डिफरेंट तरीके सोचता है, एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपने मिश्री लाल को देखा, एक तरफ खेती दिक्कत करती है, बेचना मुश्किल होता है, तो उसने क्या करा, एक मशीन खरीदी जिससे आसपास के लोगों का भी गन्ना खरीद पा रहा है। उसी तरीके से करीम को अगर आप देखें, करीम ने क्या करा, उसने देखा कि 2 वुमेन है जो पढ़ा सकती हैं, तो उनको एम्प्लॉय कर लिया, उनको रख लिया, और एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी ताकि बच्चों को बाहर भी ना जाना पड़े और दूर ना जाना पड़े और खुद के पास भी कुछ 2 पैसे आ जाए। इस टाइप का जो माइंडसेट है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। इसीलिए ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट हैं। राइट योर एग्जाम्पल कनेक्टिंग टू इट वॉट यू आर लर्निंग इन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम। तो ये थोड़ा सा आपको खुद भी रिफ्लेक्ट करके लिखना है, बट फिर भी हमने एक सैंपल आंसर लिखा हुआ है। आइए चलते हैं उस सैंपल आंसर की तरफ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको कमेंट, आपको नोटिफिकेशन मैसेज का मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।